मोनी क्लास क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट कीप योर मोबाइल एट लीस्ट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। बात करते हैं डिफिशिएंट के वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एक पहले बात करते हैं व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है? A memory is used to store the data or program. हम कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपने डाटा को स्टोर कर सकें। जैसे आप ब्रेन के अंदर किसी भी चीज़ को रखते हैं, या आप अलमारी में कपड़े रखते हैं, या आप किचन में बर्तन रखते हैं, सबका अलग अलग स्पेस होता है। ऐसे कंप्यूटर में भी क्या होती है, मेमोरी होती है डाटा को रखने के लिए। बात करते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। लेकिन ये है दोनों कैसे? कंप्यूटर की दोनों ही मेन मेमोरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। इट इज यूज टू स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट सीपीयू नीड्स इन रियल टाइम एंड इट इज वर्ड्स कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। इसमें क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं एक्चुअल में, तो हम किससे काम कर रहे होते हैं, वोलेटाइल मेमोरी में। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, अगर काम करते हुए लाइट चली जाए, अगर आप काम कर रहे हैं तो जो आपका डाटा है वह इरेज हो जाएगा, आपको फिर से उस काम को करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल है रैम एंड कैश मेमोरी। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप काम करें उस काम को आप सेव करें, जिससे कि आपकी टाइम की वेस्टेज ना हो। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दिस मेमोरी इज सिक्योरली कैसे होती है, फिक्स होती है एंड रिमेन्स इन द कंप्यूटर, और कंप्यूटर में सुरक्षित रहती है इवन इफ कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर कंप्यूटर में लाइट चली जाए तो जो भी आपका डाटा होता है वो आपका सेव होता है। जब पर बात करते हैं ये कवर की है, जब आप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया जाता है, असेंबल किया जाता है, तब इस मेमोरी में कुछ प्रोग्राम पहले से ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एग्जाम्पल है आपके इसके रोम और एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव। अपने क्वेश्चन है Which generation of computer will be known as KIP? There are 5 generations of computer. Computer की 5 पीढ़ी होती है। अभी हम जो काम कर रहे हैं 4th और 5th में काम कर रहे हैं, तो 5th generation अभी आने वाली है, इसका काम भी चल रहा है। 5th generation में को हम यूज कर रहे हैं KIP, यानी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, हमें केवल इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होगी, तो जो भी काम करेगा वो एज ए रोबोटिक जो है मशीन बनेगी आपकी, और सब काम आपका रोबोट द्वारा ही किया जाएगा। ये सभी वर्ड आपको याद भी करना है और उतारना भी है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।